पत्नी जो है वो लगभग लगभग 10 बजे शाम को परीक्षित जी अपने पिया के चरण दबाए रही। तो ये माताओं में आदत होती है, जब शाम को अपने पिया के पैर दबाएंगी तो जरूर कुछ ना कुछ बात उघाड़ देंगी। प्रसेन की पत्नी बोली, ध्यान देना महाराज, पैर दबाए रही है सत्यराजित की दुल्हन, कहने लगी पिया, जो तो हमें वो बताया है जिस दिन मेरी शादी होकर के आई थी उस दिन आप आठ आठ रोटियां खा लेते थे, लेकिन अब दो रोटी खा के पानी पी लेते हो। मुझे पता है कि भाई के मरने का दुख भाई को बड़ा होता है। और महाराज उसी समय कहने लगी, एक बात समझ में ना आया तो पिया ऐसो कहां को मनाइया हो जो देवर की मट्टी ना मिली। सत्यराजित के धोखे से मुंह से निकल गया, प्यारी ये बातें चिपती नहीं, इतनी बात जैसी गई इसका मतलब है तुम्हें पता और तुम बताते नहीं हो। मर जाऊंगी फांसी लगा लूंगी, मायके चली जाऊंगी। लेना छोटू एक बात याद रखना, अगर पति पत्नी की बात न माने तो पत्नी को दो ये चीजें दिखाई देती है, बताए जानता दो ये चीजें केवल पति अगर पत्नी की बात न माने तो पत्नी को दो चीजें दिखाई देती सिर्फ। सही है। कौन कौन बता दो, बता एक पंखा दी तू पंखा, हाँ हाँ समझ गए, फांसी हाँ, और एक आंच लगाई लेंगी मैंने खजूना और का, और एक और क्या फांसी और क्या माइक और एंड पे को टांग, मैं तो पे घरे जा रही हूँ। तो ध्यान रखना कान पे लगा ला बोल पापा, मैं तुम्हारी जगह महीने को बात न मान, मैं तो घरे आ रही हूँ। अबे चली पापा ने के चली आता देख ले वो हाले बिने सो चंदे गलती ना मानी बिटिया बे जो ना कहे हमारे लिए भी कोई गलती करी हमारे लिए तू आए तो जा हां हम देखते हैं देखो। तो सत्यराजित बोला, औरत को हर बात बताना ठीक नहीं, रुचि तुम्हें अपने दिल की हर जगह सुनाना ठीक नहीं। नारी ही ऐसी विदुषी है, ये लक्षण में आता है, और नारी के पेट में बात तो क्या पानी भी नहीं समाता है। ध्यान देना सत्यराजित ने जवाब दिया कि जिस भजन में नाम ना हो उस भजन चाहे कितनी लाड़ी बेटी हो घर घर पे घुमाना चाहिए। पत्नी कितनी प्यारी हो
चलिए अब चाहे भैया कितना पैरी हो हर भेद छिपाना ना चाहिए चाहे कितनी करीबी आ जाए दाता को भुला याद रखना मेरे भैया पत्री नौने लगी सत्रह जितने जवाब दिया प्यारी बताने को तो हम बता दें तुमने कई होंठ खोल दिए भैया गाओ सो गाओ मड़ी गई सो गई हवा मारे जाए तो उसी समय मेरे प्यारे श्रोता बंधु जब पत्नी रोती है तो कह दिया प्यारी सुनो कहना नहीं किसी से बोले महाराज मैं तुम्हारी किस्म खाई रही मैं काऊ सुनाए कही जवाब दो मड़ी के लालच में एक दिन वह मड़ी को मैं यादवों की सभा में पहन के गया और जो कन्हैया जितना ही ऊपर से करिया है तितनो ही भीतर से करिया है फेर ही फेर मड़ी मांगी जब हमने नाए दई बन में नाव लगाओ मेरे भैया प्रसेन को कत्ल कराए दो पत्नी बोली महाराज ऐसा करो तुम सो जाओ सो जाओ अब तो सोइए जने कटी नींद ना आए रही नींद ना आए रही परीक्षक जी करोटी बदल रही आए दैया कब बुरारो हो कब सवेरो हो जब पे पेट को भूखा बुझाए पड़ोसन से रात के तीन बजे जग गई कुआं पे पहुंची रस्सी डाटते निकालते कोई भी पनिहारी पानी भरने नहीं आई जब कोई पनिहारी पानी भरने नहीं आई सुबह पांच बजे एक आई कहे जी इतनी जल्दी काय आए गई बोली बहना का बता पानी तो संजय को घटियो देवी ऐसे ही पर रहे हैं हम ऐसे ही पर रहे हैं चलो सवेरे देख बहना हाय सुनो तुम तो जानती हो जानना तुम्हारे देवर खत्म है तानना तुम्हारे घर की तो पटाई बिगड़ी गई अब देखो सुबह सुबह पंचायत करने लगी ये होती है स्त्री के पेट में कभी बात नहीं रुकती है इसीलिए लिखा गया है तो गौर करना मेरे प्यारे श्रोता बंधु जवाब दिया हाय जी तुम सही कहती हो लेकिन मेरे एक बात समझ में आया ऐसो कहां को मरई आओ तुम्हारे देवर की मट्टी ना मिली तो बोली बहना चुप रहो करो जी बात को छिपती ना लेकिन ए सुनो मेरे और तुम्हारे गौने में कोई फर्क ना है तुमने अपने दिल की बात हमें बतायो हमने तुम्हें बताई कहियो काऊ से मत हम तुम्हें बताते आज आज तक काऊ बताई ना है और तुम जानते हो हमारे पेट में जो हो तुम तई जी जीव ले तो और काऊ देना हम कहा था सुनो मड़ी के लालच में एक दिन मड़ी हमारे पिया डाल के गए जने फेर ही फेर जा करुआ ने मड़ी मांगी जब नाए दई तो मेरे देवर गए डार के दिन दाव लगाओ बन में जितना जो ऊपर ते करिया थे तो भीतर थे बन में दाव लगाओ और हमारे देवर को मराए डारो जी अगर तुमने काऊ तो कह दई और ने काऊ भने का चली तो मार डारी मार डार में हमें जा सको तो कहियो मत ठीक है मेरा उसी समय वो इधर चली आई वो पहुंची तीसरी से अब बेका करती थी मठा फेंकती थी जी नेक नमक दे दियो नेक नमक दे दियो हाय दैया कल बे गए जाने पौआ पीत रहे का कत रहे तो समरे आदमी तो रहमत है समझ में ना आया रे काय पे ठाड़ो भौ बच्चा भूखन मरे जाए रे घर में सब्जी ना बनी हमारी नमक ही ना हम सब्जी बनाए कहां तले जा सो मेहरा नेक नमक दे दियो बोली बहना नेक रुको मठा नेक फिर बे को रेगो मियाल देती हम मियाल देती अबे मठा फेती जाती कहती सुनो बहना दोहर का में बहुत बुरे बुरे काम होने लगे जब दोहर काम का हुई जी और ले आती नौ संदेशा ए जिज्जी नौ संदेशा बताती सुनो तुम्हें कछु पता है मड़ी के लालच में भगवान कन्हैया ने सत्रह जित के भैया प्रसेनक कत्ल कराए दो बन गई ये हां जिज्जी तुम्हें पे बड़े लला किस्म का तेई देख जनकटी की बात है तुम्हें
कर लाए देती। ऐसी बातें करोगे तो मैंने कहूंगा देख बहना हमें जो चुगली चाहिए ना आती का ये की हुए करे हुए कुए करे और फिर सही सारा करे ते एक समझे जी मैं गाऊ तो ना गात हम कतई नहीं कहीं मोज चुगली अच्छी ना लगती लाडो परो फिरे हम गाऊ तो ना गात एक सम हम कहूं जिंदगी में ना हाय दैया पे तो नमक लेके हुए चली गई और जे ये मिठाई ने मैं छोड़ दऊं ये पहुंची चौथी थे अब मठा उनने छोड़ो तल परीक्षा जी मठा में कुतिया लगी मठा फेरने लगी चप्पुई चप्पु चप्पुई चप्पु चप्पुई चप्पु अब वे पहुंची चौथी थे वे दुवती थी गैया आहा गैया दुवती बहना निक माचिस दे दियो निक माचिस दे दियो माचिस पानी में गिरी सीढ़ी तुम्हारे एक से बहना निक सब्जी बनाए में जाए रहे सब्जी ने बनाई हम तो अचार ही धरे फिर रही तुम्हारे का बनोगे दे दी तो ध्यान रखना उसने जवाब दिया बहना दूध हारी रह गई व्याल फेती व्याल देती और जब दो दहाने निकाल लई बे बात ही करती जाती जी सुन तो ले तुम तो जाय में लगी रहा पूरे दिन तुम्हारी जिंदगी निकल गई काम ही करबे में तुम्हें कछु पता दो हरिका में काका होई रहो जब तो हरिका में बहुत बुरे बुरे काम होन लगे सुना का हुई हो मड़ी के लालच में भगवान कन्हैया ने बन में दाव लगाओ सत्रह के भैया पर सेन कतल कराए दो बेन कई ए तो गैया ने लात दई हुई है पे कहूं दूध कहूं अपन याद रखना माता है प्यारे पूरी द्वारिका में खबर फैल गई मड़ी के लालच में भगवान कन्हैया ने सत्रादित्य के भैया प्रसेन का कत्ल करा दिया। अब महाराज भगवान कन्हैया को जो खबर मिली नाना उग्रसेन के पास में पहुंचे कहा मुझे कलंक लगाया है मड़ी का विनती की मैं जा रहा हूँ। उसी समय उग्रसेन ने आज्ञा दी है 15 जवानों को साथ में लिया क्या देखा है अंदर पहुंचे गुफा के सामने शेर मरा पड़ा है और जब गुफा के सामने शेर मरा पड़ा है तो क्या देखा है 15 जवानों से कहा सुनो 15 दिन के अंदर में अगर मैं यहां से बाहर ना आए तो तुम समझ लेना मैं मारा गया। तो क्या देखा है अंदर तो अंदर था एक विशाल भवन और जिसमें थी ललना बड़ी भई ललना के ही पलंग में बड़ी समड़ी थी बड़ी प्रभु कैसा कष्ट उठाया जवाब दिया तेरी लड़की के पास जो मड़ी है ना इसने मुझे कलंकित कर दिया तो कहा सुनो महाराज देख लियो देवता सो खेल रही है वे ये यगपति जी को देख रहे चश्मा वाला अरे ना बिना देखो तो जग गए दे इतना बड़ा सांडो बजेरा तो भी सोए रहे बिना ना मालूम काका है राव सोई लो सोई लो कोई बात नहीं भागवत ताई से होती सोई का बोलिए गोविंद भगवान की।